नमस्कार दोस्तों, आप सभी का EBSE पर लेक्चर नंबर 8 में स्वागत है। BSE थर्ड ईयर का ये लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। लेक्चर नंबर 7 में अपन ने पढ़ा था अंतर्कलन का सूत्र और उस पर अपन ने एक एग्जाम्पल किया था। आज अपन दो तीन एग्जाम्पल और करेंगे अंतर्कलन के सूत्र पर। एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल अपन ने कल कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 है डेल की पावर 6, ए एक्स माइनस 1, बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी एक्स क्यूब माइनस 1 और एच का मान दे रखा है 1। इसे सॉल्व करना है तो इसमें अंतर्कलन का मूल प्रमेय या अंतर्कलन का सूत्र है उसका उपयोग होगा। तो सबसे पहले तीन ब्रैकेट के अंदर जो जो भी संख्या दे रखी है उन्हें एफ एक्स मानना है और इनको आपस में गुणा करनी है। आपस में गुणा करने पर हमारे पास मान आएगा ए बी सी एक्स की पावर 6 माइनस सी एक्स की पावर 4 माइनस बी सी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स क्यूब माइनस ए बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो तीनों को गुणा किया आपस में तो ये मान आ गया हमारे पास। तो हमने एफ एक्स बराबर ये निकाला था, उसे सिस्टमेटिक लिखेंगे। ए बी सी इंटू एक्स की पावर 6 माइनस बी सी इंटू एक्स की पावर 5 माइनस ए सी एक्स की पावर 4 प्लस सी माइनस ए बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1। अब इस एफ एक्स पर क्या करेंगे, डेल की पावर 6 ऑपरेट करवाएंगे। डेल की पावर 6 और एफ एक्स का मान लिख दिया तो डेल की पावर 6 है वो सभी में गुणा होगी। तो पहले में ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और डेल की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 लिख देंगे। फिर माइनस का बी सी बाहर आएगा, डेल की पावर 6 एक्स की पावर 5 रहेगा। फिर माइनस ए सी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और डेल की पावर 6 एक्स की पावर 4 रहेगा। प्लस सी माइनस ए बी बाहर आएगा, डेल की पावर 6 एक्स क्यूब प्लस बी डेल की पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस ए डेल की पावर 6 एक्स माइनस डेल की पावर 6 इंटू ए। अब अंतर्कलन का सूत्र कहता था कि जिनकी ये पावर है वो समान है उसका मान तो उस पावर के फैक्टोरियल के बराबर आएगा, अगर पावर दोनों की समान नहीं है तो उसका मान 0 आएगा। तो डेल की पावर 6 और एक्स की पावर 5 है तो पावर दोनों अलग अलग है, समान नहीं है तो इसका मान 0 आएगा। आगे वाले का मान है डेल की पावर 6 एक्स की पावर 4, इसका मान भी 0 आएगा। डेल की पावर 6 एक्स क्यूब का मान 0 आएगा, डेल की पावर 6 एक्स स्क्वायर का मान 0 आएगा और डेल की पावर 6 एक्स की पावर 1 है इसका मान 0 आएगा। और यहाँ पे डेल की पावर 6 और एक्स की पावर 0 है तो यहाँ पे इसका मान भी 0 आएगा। तो हमारे पास पहली वाली टर्म बच गई ए बी सी डेल की पावर 6 एक्स की पावर 6। तो डेल की पावर 6 एक्स की पावर 6 का मान आएगा फैक्टोरियल 6, तो ए बी सी इंटू फैक्टोरियल 6 आ गया एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते थर्ड, डेल की पावर n ब्रैकेट ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स ब्रैकेट ए वन प्लस ए टू एक्स ब्रैकेट ए टू प्लस ए थ्री एक्स, ऐसे चलते हुए एस वन ब्रैकेट ए एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स, इसमें एच का मान 1 दे रखा है तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसे एफ एक्स मान दे देंगे, नाम दे देंगे। तो एफ एक्स बराबर ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स ए वन प्लस ए टू एक्स ए टू प्लस ए थ्री एक्स एस सून ए एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स दे देंगे। ठीक है, ए एन एक्स दे देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स वालों को एक्स की पावर एन वालों को अलग कर लेंगे। तो एक्स की पावर एन वालों, अब देखिए इन दोनों में से एक्स किसके एक्स का कॉन्स्टेंट कोफिशियंट कौन सा है, तो ए वन है तो उसे अपन यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें ए टू है तो इसे यहाँ लिख दिया, ए थ्री है यहाँ लिख दिया और एक्स के कोफिशियंट है ए एन तो ए एन को यहाँ लिखेंगे और एक्स की पावर एन को बाहर लिख देंगे। उसी प्रकार से एक्स की पावर एन माइनस वन यानी एक्स की पावर ज़ीरो, तो एक्स की पावर ज़ीरो किसकी है वो यहाँ पे सभी कॉन्स्टेंट लिख देंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास इन दोनों का मान तो आएगा ज़ीरो और आगे वाले का मान है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो ए वन ए टू ए थ्री एस वन ए एन एक्स की पावर एन, तो इस पे डेल की पावर एन ऑपरेट करवाएंगे। तो ये तो सारे कॉन्स्टेंट हैं तो ये आ जाएंगे बाहर और हमारे पास बचा डेल की पावर एन और एक्स की पावर एन है तो इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन। तो
तो आंसर आएगा ब्रैकेट में बचेगा ए वन ए टू ए थ्री से चलते हुए ए एन तक ब्रैकेट क्लोज, फिर फैक्टोरियल अन इसका होगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर चार है, मान ज्ञात कीजिए इसका, डेल स्क्वायर ब्रैकेट में ए की पावर टू एक्स प्लस ए की पावर फोर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर और एच बराबर दे रखा है एक। डेल स्क्वायर को अपन डेल इंटू डेल भी लिख सकते हैं, तो डेल इंटू डेल लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर पूरा है वो उसे लिख देंगे। अब से ये डेल है, सबसे पहले ए की पावर टू एक्स पर ऑपरेट होगा, तो ए की पावर टू एक्स प्लस वन माइनस ए की पावर टू एक्स आ गया, ए की पावर टू एक्स पर ऑपरेट हुआ तो ये इतना मान आ गया, और अपॉन में क्या है कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। फिर प्लस का साइन है, ये रहा प्लस का साइन, फिर ए की पावर फोर एक्स पर डेल ऑपरेट करवाएंगे, तो ये आएगा ए की पावर फोर एक्स प्लस वन माइनस ए की पावर फोर एक्स, अपॉन में कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। एक डेल तो अपने ऑपरेट करवा दिया, अब दूसरा डेल इसमें ऑपरेट करवाएंगे, तो इसमें देखिए अब ए की पावर टू एक्स प्लस वन में ऑपरेट होगा डेल, फिर ए की पावर टू एक्स में ऑपरेट होगा, फिर ए की पावर फोर एक्स प्लस वन में ऑपरेट होगा, फिर ए की पावर फोर एक्स पर ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले ए की पावर टू एक्स प्लस वन पर ऑपरेट करवाते हैं, तो ए की पावर टू एक्स प्लस टू माइनस ए की पावर टू एक्स प्लस वन हो गया, फिर माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, ए की पावर टू एक्स पर ऑपरेट करवाएंगे तो ए की पावर टू एक्स प्लस वन प्लस ए की पावर टू एक्स, साइन चेंज हो गया प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे बार माइनस है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, पहले वाले का काम हो गया, नीचे कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। फिर प्लस का प्लस साइन लगाया, उसके बाद में ए की पावर फोर एक्स प्लस वन पर ऑपरेट करवा दिया डेल, तो ए की पावर फोर एक्स प्लस टू माइनस ए की पावर फोर एक्स प्लस वन आ गया, फिर माइनस का साइन है, ए की पावर फोर एक्स पर ऑपरेट करवाएंगे तो आएगा ए की पावर फोर एक्स प्लस वन प्लस ए की पावर फोर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर पड़ा है। अब देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा ए की पावर फोर, ए की पावर टू एक्स को कॉमन ले लिया पहले ब्रैकेट में से, ए की पावर टू एक्स कॉमन ले लिया तो ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन का प्लस वन अपॉन में कॉन्स्टेंट वाइज इट इज़ पड़ा है, तो इतना बच गया पहले ब्रैकेट में से। दूसरे ब्रैकेट में ए की पावर फोर एक्स सभी में से कॉमन ले लेंगे, तो ए की पावर फोर एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा ए की पावर एट माइनस टू ए की पावर फोर प्लस वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन को अपन ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास पड़ा है ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस है, ए की पावर फोर एक्स का ए की पावर फोर एक्स पड़ा है, ए की पावर एट माइनस टू ए की पावर फोर प्लस वन को अपन ने लिख दिया ए की पावर फोर माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे अपॉन में कॉन्स्टेंट पड़ा ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर देखिए पहले वाले टर्म में ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा ए की पावर टू एक्स प्लस ए की पावर फोर एक्स पड़ा है, और यहाँ पे ए की पावर फोर माइनस वन को दो टुकड़ों में फिर से तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो माइनस वाला कट जाएगा क्योंकि नीचे भी माइनस का है और ऊपर वाला बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आया ए की पावर टू एक्स प्लस ए की पावर फोर एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपन के एग्जांपल। अब नेक्स्ट आती है अंतर सारणी। देखिए डिफरेंस टेबल है अंतर सारणी, तो ये कौन सी अंतर सारणी है, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यानी अग्रांतर अंतर सारणी है। ये अग्रांतर अंतर सारणी को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले x की वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, इसका फॉर्मेट है कि a a प्लस h a प्लस टू एच और a प्लस थ्री एच लिख दिया। उसके बाद में y की वैल्यूज़ लिखेंगे यानी fx की वैल्यूज़ लिखेंगे, y बराबर fx की वैल्यू लिखेंगे जिसे एंट्री कहते हैं प्रविष्टि, और इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट x को। तो एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच और एफ ए प्लस थ्री एच ये भी वैल्यूज़ आप लोगों को दी हुई होगी। निकालने क्या है, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे उसे बोलेंगे डेल एफ एक्स, सेकेंड डिफरेंस को बोलेंगे डेल टू एफ एक्स, और थर्ड डिफरेंस को बोलेंगे डेल थ्री एफ वाई, यानी लास्ट में एक संख्या नहीं आ जाती उतने तक डिफरेंस निकालते रहना है। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले इस सेकेंड टर्म को लेंगे,
एफ ए प्लस एच से एफ ए घटाएंगे, एफ ए को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा डेल एफ ए। फिर एफ ए प्लस टू एच से माइनस करेंगे एफ ए प्लस एच को तो हमारे पास आएगा डेल एफ ए प्लस एच। फिर एफ ए प्लस थ्री एच को घटाएंगे एफ ए प्लस टू एच से तो आएगा डेल एफ ए प्लस टू एच। तो ये आ गया पहला अंतर। उसी प्रकार से दूसरा अंतर निकालेंगे, डेल एफ ए प्लस एच से घटाएंगे डेल एफ ए तो आएगा डेल टू एफ ए। डेल एफ ए प्लस टू एच से घटाएंगे डेल एफ ए प्लस एच तो आएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। तो ये आ गया दूसरा अंतर। दूसरे अंतर को डेल टू से इंडिकेट कर दिया, पहले अंतर को डेल से और तीसरे को डेल थ्री से। अब तीसरा निकालना है तो डेल टू एफ ए प्लस एच से घटाएंगे डेल टू एफ ए तो आएगा डेल थ्री एफ ए। तो इस प्रकार से ये अग्रांतर अंतर सारणी बनती है। तो इसके लिए एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो उदाहरण है हमारे पास 8, 12, 19, 29, 42 का छठा पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा 8, 12, 19, 29, 42 8, 12, 19, 29, 42 ठीक है। इसका क्या करना है, इसका छठा पद ज्ञात करना है। छठा पद कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखिए छठे पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बार इसे रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए छठा पद ज्ञात करना पड़ेगा तो हमारे पास हम बनाएंगे अंतर सारणी। अंतर सारणी पढ़ रहे हैं, अग्रांतर अंतर सारणी। सबसे पहले अंतर सारणी बनाएंगे तो अंतर सारणी में यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई बराबर एफ एक्स, यहाँ लिखेंगे डेल वाई और यहाँ लिखेंगे डेल टू वाई। तो एक्स हमारे पास कितने हैं, एक्स हमारे पास है ही नहीं। ये मान जो दे रखा है ये वाई का मान दे रखा है, यानी वाई वन का मान दे रखा है 8, वाई टू का मान है 12, वाई थ्री का मान है 19, वाई चार का मान है 29, वाई पाँच का मान है 42, वाई छः का मान ज्ञात करना है क्योंकि छठा पद ज्ञात करना है। वाई छः का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे एक्स का मान अपन दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब पहला अंतर निकालना है तो 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो वो आएगा डेल वाई वन, 4 आ गया। फिर दूसरा अंतर निकालेंगे तो 19 में से 12 घटाएंगे तो वो आएगा 7, इसे नाम दे दिया डेल वाई टू। फिर 29 में से 19 घटाएंगे तो आएगा डेल वाई थ्री, आएगा 10। और फिर 42 में से घटाएंगे 29 तो आएगा 13, इसे नाम दे दिया डेल वाई फोर। फिर वाई सिक्स में से वाई फाइव घटाएंगे तो आएगा डेल वाई फाइव। वाई सिक्स माइनस वाई फाइव है 42। अब दूसरा अंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे अंतर के लिए 7 में से घटाएंगे 4 तो आएगा डेल टू वाई वन, 3 आ गया। 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3 डेल टू वाई टू। फिर 13 में से 10 घटाएंगे तो आएगा डेल थ्री वाई थ्री, 3। फिर डेल वाई फाइव में से डेल वाई फोर घटाएंगे तो आएगा डेल डेल टू वाई फोर। ये भी हमारे पास 3 आना चाहिए क्योंकि पहला अंतर 3 आ रहा है, दूसरा भी 3 आ रहा है और तीसरा भी 3 आ रहा है, यानी सभी अंतर लास्ट में बराबर आने चाहिए तो इसका मान भी 3 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास आ रहा है वाई सिक्स माइनस 42 माइनस 13 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे छठे पद को ज्ञात करने के लिए, वाई सिक्स माइनस 42 माइनस 13 बराबर 3 लिख देंगे क्योंकि हमारे अनुसार मान ये आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मान आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 3 आना चाहिए, सभी बराबर आने चाहिए तो हमने 3 के बराबर रख दिया तो वाई सिक्स का मान आ गया 3 प्लस 13 प्लस 42 बराबर
तीन प्लस 13 प्लस 42 बराबर 58, तो y6 का मान आ गया 58। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिससे आपके और क्लियर होता जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में और अपन क्लियर करते हुए चलेंगे।